वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस बार 15 अगस्त को भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वरेगंढ मनाने जा रहे हैं। इस एक दिन पहला 14 अगस्त को पाकिस्तान भी जिहड़ा है वो जश्न आज़ादी की 75वीं जिहड़ी है वरेगंढ मना रहे हैं। और जश्न आज़ादी मनाने लई जिथे सरकारां, प्रशासन ते आवाम पब्बां पार है, उत्साहत है, उत्थे 15 अगस्त 1947 दौरान सांझे पंजाब दे होए दो टुकड़ियां अते भारत पाकिस्तान दी वंड दी कीमत अपने उजाड़े ते जान माल दे भारी नुकसान दे रूप विच चुकाउण वाले लखां पंजाबियां दी याद किते चेतियां दी गर्दश दे विच गुआची नजर आ रही। अज तो 75 वरे पहला 10 अगस्त 1947 तो लैके 16 अगस्त 1947 तक देश के बटवारे वेले सियासी नेतावां की फिरकाप्रस्त सोच के कारण सांझे पंजाब दे जिथे दो टुकड़े होए उत्थे लखां सिखां ते हिंदुआं नूं फिरकाप्रस्ती की अग का शिकार होना पिया। हजारां ही नहीं लखां ही धीआं भैणां ने अपनियां इज्जतां बचाउण लई खूहां दरियावां विच छालां मारियां, अपनियां जानां गवाईयां। हरियां भरियां लहलहाउंदियां फसलां, बारां ते घरां घाटां नूं छड्ड के सिखां ते हिंदुआं नूं उजड़ना पिया। पाकिस्तान वाले पास्यों भारत आना पिया ते भारत वाले पास्यों खास तौर पर पंजाबी मुसलमानां नूं पाकिस्तान वाले पासे जाना पिया। मजहब दे जनून दे विच अन्नियां पीड़ां ने अजिहा कोहराम मचाया कि हर पासे लहू ते मिज दीआं नदियां जिहड़ियां सी वह तुरियां। 10 लख दे करीब पंजाबी जिन्हां विच सिख, हिंदू, मुसलमान शामिल सी उह मारे गए। लखां ही औरतां उधाले का शिकार बनियां। बेशक वंड दे उजाड़े का वड्डी गिणती पंजाबी हिंदुआं ते मुसलमानां नूं भारी सेक झलणा पिया, पर सिखां नूं अपने प्यारे गुरधामां तों विछड़ना पिया। बहुत सारियां जानां, बहुत सारा जान माल, जमीन जायदादां, घर घाट गवाउणा पिया। जिलम दरिया के चनाब दरिया के बरेते खालसा राज की चढ़त ते सिखां दे दृढ़ता की गवाही भरदियां अटकदियां छल्लां, ननकाने के मिठे खूह का पानी, पंजा साहब की दैवी छो, खालसा राज की साखी भरदा लाहौर का शाही किला, बाग, महल, हवेलियां, घर बार छड के बढ़दियां गोलियां, बलदियां अग्गां ते चलदे छरियां तों लुक बच के फौजियां दे हिरासत बंदूकां दी छां हेठ साह कुट्टी दब्बी जबानी मुड़ कदे ना आवांगे आखदिआं सिखां नूं अटारी टप्पणा पिया। जिथे सिखां नूं ननकाणा साहिब, करतारपुर साहिब, पंजा साहिब ते सैकड़े होर जान तों प्यारे गुरधामां तों विछड़ना पिया, उत्थे हिंदू भाईचारे नूं वी कटास राज अते शक्तिपीठ हिंगलाज वर्गे मंदिर ते अनेकां होर प्राचीन मंदिरां तों वी जिहड़ा है वो दूर होना पिया। अज समय का एक गेड़ अपना चक्कर कट रहा, पौनी सदी बीत चुकी है। इस महादीप की हिक दे उत्ते भारत ते पाकिस्तान दे रूप दे विच दो देशां दीयां कंडियालियां सरहदां अज भी समूह पंजाबियां खास तौर पर सिखां दा सीना पाड़दियां। इस बार 15 अगस्त नूं जिथे भारत दे लोक आजादी की 75वीं वरेगंढ मनाउण जा रहे हैं, मैं अपील करदा कि आओ असीं उन्हां नूं भी याद करिए जिन्हां ने भारत ते पाकिस्तान दी वंड दी भारी कीमत चुकाउंदिआं अपनियां जानां गवाईयां, अपने घर बार छड्डे, अपने बच्चे जिहड़े है वह छड्ड के आंदे, बच्चे अपनियां अखां दे सामने कतल हुंदे वेखे। मैं अपील करदा कि 10 अगस्त तो लैके 16 अगस्त तक दुनिया भर दे विच वसदा सिख भाईचारा अपने उन्हां वडेरियां जिन्हां दे विच बच्चे भी सन, बजुर्ग भी सन, औरतां भी सन, बेरहमी दे नाल जिहड़ियां कतल होईयां उन्हां नूं याद करन दे लई असीं घट्टो घट 10 अगस्त तो लैके 16 अगस्त तक उन्हां लई असीं अकाल पुरख दे चरणां दे विच अरदास करिए और 10 मिनट मूल मंत्र जपजी साहिब दा पाठ, भजन सिमरन जिहड़ा है वह जरूर करिए। 16 अगस्त नूं श्री अकाल तख्त साहिब ते भी 9 बजे
इन्हां जाना गवाउण वाले बच्चियां बजुर्गां नौजवानां इस्त्रियां दी लई अरदास जिहड़ी है श्री अकाल तख्त साहिब ते सुबह 9 बजे जिहड़ी है ओह कीती जाएगी। मैं वध तो वध संगत नूं 9 बजे श्री अकाल तख्त साहिब ते 16 अगस्त नूं कीती जा रही इस अरदास दे विच शामिल होण दा सद्दा देना। 10 अगस्त तो लैके 16 अगस्त तक दुनिया भर दे सिख और मैं हिंदुओं नूं भी अपील करदा कि वह भी अपने वडेरियां नूं याद करन दे लई अपने मंदरां दे विच 10 अगस्त तो लैके 16 अगस्त तक जरूर प्रार्थनावां करन। क्यों? क्योंकि ये वाघे वाली लकीर ये 10 लख लोगों दीयां लाशां की हिक दे उत्ते जिहड़ी है वह इकरी हुई है तो वह 10 लख लोगों दीयां लाशां वह पंजाबियों दीयां लाशां से हिंदुओं दीयां सिखां दीयां लाशां से मुसलमानों दीयां लाशां से आओ असी उन्हां नूं 75वीं वरेगंढ मौके याद करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।